हरियाणा में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी भी राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद से संकट में है। पार्टी में नेताओं की बगावत की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जेजेपी का वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद से हरियाणा की जेजेपी के ऊपर बड़ा संकट गहराता दिखाई दे रहा है। जेजेपी को बीजेपी के साथ गठबंधन करके भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश की जनता में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा था और इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में जेजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि जनता का गुस्सा देखते हुए जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन 4 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाने की सजा जनता ने जेजेपी को दे दी। इसके बाद कुछ विधायकों ने खुलकर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लंबे समय तक हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष रहे निशान सिंह भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा भी कई बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि जेजेपी इस वक्त मुसीबत में दिखाई दे रही है। जेजेपी में बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। पार्टी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके कई विधायक बागी हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास है, इसलिए वो खोई जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और चुनाव के लिए जेजेपी ने उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट का नाम फाइनल कर दिया है। अब देखना है कि क्या जल्दी उम्मीदवारों का नाम तय करने का जेजेपी को फायदा होगा, क्या वो अपना वजूद बचा पाएगी, क्योंकि इस बार जेजेपी के लिए अपना वजूद बचाने का संकट है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।